पे कोई खड़ा होता, जैसे ये यहाँ खड़ा हुआ है हमारा दोस्त, हमारा लगती कजन, अल्लाह ना अरे करे भाई यहाँ ऐसे आके ही होता है ना। लगती तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सीन ऐसे थे, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, और आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना होगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने वो भी करना है, और इस शेयर मतलब इस वीडियो को मजीद शेयर करना है, क्योंकि सीन ऐसे है कि यार न्यूयॉर्क की दिन था, न्यूयॉर्क का दिन था, और न्यूयॉर्क पे आपको पता है वाई फायरिंग होती है, फायर वर्क होता है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी की जान जाती है तो कोई किसी का कसूरवार नहीं करा दिया जाता, बस ये होते हैं कि यार पर्चा कट गया, जेल में चला गया, लेकिन किसी का गया है, बंदा या बंदी जो भी, किसी के घर में मैयत आई है उसके नए साल में, तो कोई किसी का कुछ नहीं जाता, उस बेचारे का ही जाता है। तो आपने मेरी बैकग्राउंड में जो आवाज़ें हो रही होंगी तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले ये वीडियो देखिए भाई। सीन कुछ ऐसे, मैं आया हूँ इंजॉयमेंट करके, खाओ पी के किमाड़ी से फिश, और मेरे घर में सुना अपने दोस्त कज़न वज़न से किया गोली आके घर में लगी है, यानी कि असलियत इतनी पाबंदी गवर्नमेंट ने, फिर भी गोली लगी हमारे घर पे आके। दिखाओ भाई दिखाओ, ये देखो ये गोली चेक कराओ, ये गोली कैसी है जो अभी आप मुझे बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? गोली जो ना आगे लगी यहाँ पे सही है, इधर ये जो यहाँ पे ना लगी है सर, ये मैं इस विंडो के अंदर बैठा हुआ था पीछे, सही है, इधर फैन वैन बैठे बंद है गर्मी की वजह से, सही, सर्दी की वजह से धम करके ऐसी आवाज है जैसे ब्लॉक लगाओ, सही मैंने है, बोला किसी ने आरामी बना किया ब्लॉक मारा है, मैं अंदर बैठा था, 2 मिनट बाद में बाहर आया हूँ, यहाँ मलबा पड़ा हुआ, सही, यहाँ पे ऐसे करके गोली पड़ी, ये मैंने बोला भाई ये क्या सीन, एक छोटा सा पीस और था इसका वो गिर गया। अब ये देखिए मसाला है ना, किसी ने अपनी कोई पुरानी वो मारी है जो रुकी हुई पिस्टल होती है जो बड़े दिन से चली नहीं होती, ये देखिए इसका सारा मसाला है ना ये काला वाला, ये अंदर ही रह गया, अगर ये मसाला सही पूरा चल जाता ना ये बहुत ऊपर जाती, ऊपर जाके फिर ये नीचे नहीं आती, सही है, ये फंसी गोली, ये देख हाँ धारियाँ चेक कर, सही है ना, ये ये फंसी है धारियाँ, गोलियाँ, ये फंसी है, इसने 3-4 बार चैम्बर मारा, जब ये ज़बरदस्ती की गोली चली इसका सारा प्रेशर जो था ना वो राउंड हाँ होके घर में आके गिर, अगर कोई होता ये अंदर थी, ये अगर एक कोई और मिनट होता ये देखिए तो देख, मर जाता बंदा तो ये मैं यार, तेरे को बताना चाह रहा था, ये जो चपटी हो रही ना ये देख, ये चपटी ये हो, ये लग के, और अगर ये किसी बंदे के लगती ना तो ये होती है नोक, ये बंदे के अंदर ये लगी है जाके ऐसे, तो सही ये है, दीवार में लग के ऐसी चपटी हो गई, अल्लाह ने बचा दिया, 2 से 3 मिनट हुए होंगे मुझे, मैंने बस जाके वो फेसबुक ऑन किए और धाम मैंने गाड़ी खड़ी की है, अगर मैं बाहर होता तो या तो ये मेरे होती, और इसके लगने के 2 मिनट बाद अम्मा आई थी दादी हमारी, या तो ये दादी के यानी कि इतना लगा कर। प्रॉब्लम हुई हुई, आप देख सकते हो इतनी प्रॉब्लम है, इतनी मसले हुए हुए हैं कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे पाबंदी बनाई हुई, लेकिन फिर भी जो जाहिल किस्म के लोग जो अभी जा जाके ये फायर वर्क, तो खैर सही अच्छी बात है करो, मना नहीं, मसला ये होता है कि किसी के घर में आके लगती है, आप फजूल की जो होती है इनकी जो नहीं हुई हुई होती, क्या बोलते हैं बेकार की वो जो गन वो होती है फजूल की। जो मतलब सालों से घर में रखी मैं शौकीन ही लेके, जो किसी में काम मसले की नहीं है, एंड में उसको रवा करने के चक्कर में या लोगों को शौकियाँ दिखाने के चक्कर में चला देते हैं, उनकी फंसी हुई गोलियाँ होती हैं, या तो वो चैम्बर उसी वक्त खड़का घुमाते हुए बंदों के लगती हैं, या तो हवा में से गुजर के आती हैं जैसे ही आई, उतनी इस तरह ये केस देखिए, एक्चुअली ये नहीं देखिए, हुए। आप ये देखो, ये एक हमारे घर में आई, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई खड़ा होता, जैसे ये यहाँ खड़ा हुआ है हमारा दोस्त, हमारा लगती कजन, अल्लाह ना अरे करे भाई यहाँ ऐसे आके ही होता ना, लगती तो कहीं हाथ भी पे लगती, लगती, कहीं ना कहीं तो लगती, जख्मी तो होता, पैसे तो लगते हैं ना यार, बंदा नहीं मरता, लेकिन अल्लाह ना करे लग के मर जाता तो किसका कुछ ज़्यादा, गवर्नमेंट का या था या किसी का जिसने चलाया उसका या था, कोई भी नहीं, कुछ नहीं होता कोई मतलब इधर तो कानून ऐसा है कि कोई बस जिसने चला दी वो बंदा मर गया भाड़ में जाए, इधर कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो भाई ख्याल करो, हर साल यही हो रहा होता है, कोई आज ये मर गया कोई वो मर गया, तो आप अपना देखो यार, गलत नहीं करो ये काम, ठीक है, और बिल्कुल ही बिल्कुल ना ये सब काम छोड़ दो यार, ये देखो आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फजूल की, अगर अल्लाह ना करे किसी की लग जाती तो तुम लोगों का क्या जाता, तो आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना मजीद, ताकि लोग देख सकें, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है तो वो स्टैंड लें, मैंने स्टैंड लिया अपने घर का, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी की लग जाती कौन जिम्मेदार था बताओ मुझे, आप जिम्मेदार होते, कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है मेरे भाई, हमारा तो चल गया था बंदा, लेकिन ये कि अब बोलोगे यार इतनी सी तो ये लगी तो नहीं, खैर है अल्लाह ना करे फिर भी अगर लग जाती तो तुम लोग क्या कर लेते बताओ, कुछ कर लेते नहीं ना, अबे यार नहीं, ये तुम्हारी अगर बंदूक ख़राब है तो मत चलाओ, ऐसे तो अलाउ नहीं था, ठीक है, और अभी आके ये देखो लो आप साहब के सामने, तो इस वीडियो को शेयर करो मजीद, और अपना ढेर सारा ख्याल रखो, ये सीन हुआ है,
अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा होया हो, और अगर किसी के घर में ऐसा होया तो आप लोग स्टैंड उठाएं ताकि आप लोग वीडियो बना के आप दें और अपने सोशल मीडिया पे डालें, ताकि ये जो पुलिस और ये जो आईजी हैं इनको ताकि पता चले कि अभी भी अपना होने के बावजूद ये सब हो रहा है। ये देखो आप दिस इज, चलो मिलते हैं फिर। हाँ तो गैस आप लोगों ने ये वीडियो देखी ना कि हमारे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आप लोग खुद बताएं। और सीन ऐसे भाई, ये वीडियो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको गोली, सॉरी माजत, तो भाई आप देख रहे हैं ना गोली, ये गोली है आई थिंक 9 mm की होगी या किसी की, अगर किस जिसको पता है ये गोली किसी चीज की है तो कॉमेंट करें कि किस गन की है गोली। तो यार आप खुद बताओ इसका कौन जिम्मेदार है, अगर हमारे घर में अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार है। हमारे घर में शॉपिंग्स भी चल रही हैं शादी की, और शादी भी चल रही है माशाल्लाह, शादी भी स्टार्ट होने वाली है हमारे घर में, तो आप लोग खुद बताएं क्या सीन है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कर कुछ लग जाता किसी को भी हमारे घर में, किसी बुजुर्ग को या किसी जवान इंसान को, किसी को भी, तो कौन जिम्मेदार होता। पर आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करना है, और ये क्या बताऊं मैं, बस इस वीडियो को मैं इसलिए आपसे इसलिए बनाने का मकसद ये था कि मैं किसी को ये नहीं बोला कि आप जाके ये करो वो करो, मैं बनाने का मकसद ये था कि यार मैं अपनी हर एक चीज आपसे शेयर करता हूं ना, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करूं कि हमारे घर में ये हुआ है और गोली, तो आपको पता है अल्लाह अकबर अल्लाह बचाए। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करना है, पर मैं ये बोलूंगा कि कौन जिम्मेदार है इस सब चीज का, अगर अल्लाह ना करे हमारे घर में कुछ हो जाता तो, अगर अगर आपके घर में भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो तो आप लोग भी स्टैंड उठाया करें। मैंने तो स्टैंड ले लिया अपनी फैमिली के लिए, आप भी लें। और ये कि इसी छोटी सी वीडियो को आपके खिदमत हाजिर करने का मकसद ये था कि यार हमारे साथ ये हुआ, अगर आपके साथ कल को ये हो तो आप भी ये वीडियोज बना के दे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। देखो बोलते बोलते भी मेरा क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर है तो आप लोग की सुनी जाएगी, देर से ही सही लेकिन सुनी जाएगी। मिलते हैं इसी अच्छे व्लॉग के साथ, मतलब मेरा तो व्लॉग चैनल आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग में, मस्ती वाले व्लॉग में। ये तो एक गमगीन थी, तो अल्लाह हाफिज, खैर रखे।